Tooth Fairy. पेपा और जॉर्ज अपना फेवरेट खाना खा रहे हैं, नूडल्स। कितना शोर मचा रहे हो। खत्म हुआ। अब हमें थोड़ी शांति मिलेगी। ये क्या है? ये दांत है। ये कहाँ से आया? पेपा, तुम्हें जाकर आईने में देखना चाहिए। ये तो मेरा दांत है। ये कैसे गिर गया? फिक्र मत करो पेपा, ये दूध का दांत है, वो तो गिरते ही है। नया दांत आ जाएगा ना मम्मी? हाँ, जरूर आएगा पेपा। इसका ये मतलब है कि आज टूथ फेरी तुमसे मिलने आएगी। टूथ फेरी? हाँ, टूथ फेरी। अगर तुम अपना दांत तकिए के नीचे रखोगी तो टूथ फेरी आएगी। टूथ फेरी तुम्हारा दांत लेकर जाएगी और उसकी जगह वो एक चमचमाता सिक्का रखेगी। जब मैं बड़ी होंगी मैं टूथ फेरी बनूंगी। और जब तुम बड़े हो जाओगी तो तुम क्या बनोगे जॉर्ज? डायनासोर। एक डायनासोर। जल्दी करो जॉर्ज, सोने का वक्त है, नहीं तो हम टूथ फेरी को नहीं देख पाएंगे। सोने से पहले पेपा और जॉर्ज अपने दांत ब्रश करते हैं। पेपा, तुम क्या कर रही हो? मैं अपना दांत ब्रश कर रही हूँ ताकि टूथ फेरी के लिए वो अच्छा और साफ हो। पेपा जल्द से जल्द सोना चाहती है। पेपा अपना टूटा हुआ दांत तकिए के नीचे रखती है टूथ फेरी के लिए। गुड नाइट पेपा और जॉर्ज। गुड नाइट मम्मी। गुड नाइट डैडी। गुड नाइट प्यारे बच्चों। जॉर्ज, मैं तो सोऊंगी नहीं। चलो हम दोनों पूरी रात जागते हैं और टूथ फेरी से मिलते हैं। ये टूथ फेरी कब आएगी? टूथ फेरी को आने में काफी देरी हो रही है। कहाँ है वो टूथ फेरी? वो आवाज कैसी थी? क्या वो टूथ फेरी है? जॉर्ज, क्या तुमने कुछ सुना? ओह जॉर्ज। ओह, ये आवाज तो जॉर्ज के खर्राटों की है। वो इतना थका हुआ था कि सो गया। जॉर्ज रात को बहुत देर तक जग नहीं सकता, पर मैं जग सकती हूँ। मैं जागते रहूंगी और टूथ फेरी को देखूंगी। मैं नहीं सोने वाली हूँ। आखिरकार टूथ फेरी आ ही गई, लेकिन पेपा सोई हुई है। हेलो पेपा, क्या तुम्हारे दांत के बदले में तुम्हें ये सिक्का चाहिए? वाह, कितना अच्छा और साफ दांत है। थैंक यू पेपा। गुड नाइट। पापा, जॉर्ज उठ जाओ, सुबह हो गई। क्या मैं सोई नहीं थी? क्या टूथ फेरी आई थी? नहीं आई। चलो तकिए के नीचे देखते हैं। देखो पापा, टूथ फेरी आई थी और उसने तुम्हारे लिए गोल्ड कॉइन रखा। तुम सो गई थी है ना? शायद मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी, लेकिन अगली बार मैं जगी रहूंगी और टूथ फेरी से जरूर मिलूंगी। नई गाड़ी। आज पेपा और उसका परिवार उनकी लाल गाड़ी में घूमने जा रहा है। क्या हम छत नीचे कर लें? हाँ प्लीज। पेपा और जॉर्ज को उनकी गाड़ी पसंद है। तो क्या सब तैयार हैं? तैयार। तो चलो चलें।
मुझे अपनी गाड़ी पसंद है। हाँ, और हमारी गाड़ी भी हमें पसंद करती है कि नहीं? गाड़ी में कुछ खराबी है शायद। क्या हुआ डैडी? मुझे पता नहीं। चलो इसे दादा डॉग की गैराज में ले चलते हैं, वो इसे ठीक कर देंगे। ये बहुत अच्छा आइडिया है। दादा डॉग का गैराज है, वो गाड़ियाँ ठीक करते हैं। ओहो डैडी पिग, आपकी गाड़ी में तो खराबी है। क्या आप इसे ठीक कर सकते हैं दादा डॉग? हाँ, लेकिन इसमें पूरा दिन लग जाएगा। हम सब अपनी गाड़ी में घूमने जा रहे थे। फिक्र मत करो, तुम्हारी गाड़ी ठीक होने तक मेरी गाड़ी ले जाओ। थैंक यू दादा डॉग। क्या तुम्हें छत नीचे चाहिए? हाँ प्लीज। तो मैं बस इस लाल बटन को दबा देता हूँ। कितनी अच्छी गाड़ी है। तुम्हारे वापस आने तक मैं तुम्हारी गाड़ी ठीक कर दूंगा। थैंक यू दादा डॉग। गुड बाय। गुड बाय। पेपा और उसके परिवार को नई नीली कार पसंद है। इस नई गाड़ी में तो बहुत सारे बटन्स हैं। हरे बटन से क्या होता है डैडी? चलो देखते हैं। जादुई खिड़कियाँ। डैडी, जादुई खिड़कियों को नीचे कर दो। नीले बटन से क्या होता है डैडी? मुझे नहीं पता, चलो देखते हैं। मुझे ये नई गाड़ी पसंद है, क्या हम इसे रख सकते हैं? नहीं, हम इसे नहीं रख सकते पापा, हमने बस ये आज के लिए ली है। ओह नहीं, लगता है बारिश होने वाली है। तो मैं छत ऊपर कर देता हूँ। तो कौन सा बटन कहा था उन्होंने? मैं कितना बुद्धू हूँ। ये रहा वो बटन। नई कार ने डैडी पिग पर पानी उछाल दिया। बुद्धू डैडी, वो गलत बटन है। तो ये बटन रहेगा। ओप्स, ये तो नहीं है, तो ये रहेगा। डैडी पिग भूल गए हैं कि कौन से बटन से छत ऊपर होती है। ये गाड़ी शायद मुझे पसंद नहीं करती। हम लाल बटन दबाकर देखते हैं। हुरे! लेकिन बारिश अब रुक गई। क्या फिर से छत नीचे कर दे? क्यों नहीं, लेकिन कौन सा बटन था? लाल वाला। हुरे! दादा डॉग ने गाड़ी को ठीक कर दिया। तुम्हारी गाड़ी ठीक हो गई। हुरे! थैंक यू दादा डॉग, ये रहे तुम्हारे पैसे। थैंक यू डैडी पिग। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय बाय। अच्छा हुआ हमें अपनी कार वापस मिल गई। मुझे नई गाड़ी अच्छी लगी, लेकिन अपनी गाड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। और मुझे लगता है कि हमारी गाड़ी भी हमें बहुत पसंद करती है ना? दादा और दादी पिग पेपा और जॉर्ज के लिए ट्रेजर हंट बना रहे हैं। दादी पिग ट्रेजर का मैप बना रही हैं। दादा पिग बगीचे में ट्रेजर को छुपाने के लिए जगह खोद रहे हैं। दादा पिग, आपका काम हो गया? पेपा और जॉर्ज आते ही होंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं दादी पिग। पेपा और उसका परिवार आ गया है। जल्दी करो दादा पिग, वो आ गए। ओह, बस हो ही गया। दादा पिग ने बिल्कुल वक्त पर काम खत्म कर दिया। दादी पिग, हम आ गए। दादी जी। हेलो मेरे प्यारे बच्चों। दादा पिग। दादा जी।
ओह, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों? पेपा, जॉर्ज तुम्हारे लिए ट्रेजर हंट बनाया है। बगीचे में ही कहीं छुपा हुआ है खजाना। वाओ, खजाना कहाँ है वो? ओ, वो तो तुम्हें ढूंढना होगा। ये रहा खजाने तक जाने का नक्शा। और जॉर्ज मेरा पायरेट हैट पहन सकता है। ओ हेलो कैप्टन जॉर्ज। ये मैप थोड़ा मुश्किल है, डैडी आप मदद कीजिए। क्यों नहीं पापा, मुझे मैप पढ़ना आता है। ये थोड़ा मुश्किल है। डैडी पिग, आपने नक्शा उल्टा पकड़ा है। अच्छा, मुझे भी ऐसे लगा था। ये आसान है, लाल क्रॉस दिखाता है खजाना कहाँ है। लेकिन गार्डन में वो दो सेब के पेड़ कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें मदद चाहिए? हाँ प्लीज। पहला क्लू बोतल में है, लेकिन बोतल कहाँ है? मुझे दिख गई। पेपा ने पहला क्लू ढूंढ लिया है। बोतल में मैसेज है। देखिए, ये रही बोतल। शाबाश पेपा, देखते हैं मैसेज में क्या लिखा है। ओह, ये तो एक पायरेट का मैसेज है। मम्मी, क्या आप मैसेज पढ़ सकती हैं? इस समुद्री डाकू की राइटिंग बहुत ही खराब है। नहीं नहीं, पायरेट की लिखावट बहुत अच्छी है। नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पायरेट ने लिखा है, निशानों का पीछा करो। निशान का पीछा करो। जॉर्ज को दूसरा क्लू मिला है, कुछ एरोस के निशान जो लकड़ियों से बने हैं। देखो, वो उस तरफ जा रहे हैं। पेपा और जॉर्ज एरोस का पीछा कर रहे हैं। देखो जॉर्ज, एक चाबी। पेपा को अगला क्लू मिला है, एक चाबी। बहुत अच्छे पेपा, अब सिर्फ तुम्हें खजाने का बॉक्स ढूंढना है जो इसे खुलेगा। लेकिन यहाँ और कोई क्लू नहीं है। तुम्हें नक्शे को ठीक से देखना चाहिए। देखो पेपा, नक्शे में दो सेब के पेड़ भी हैं। यहाँ एक सेब का पेड़ है और ये रहा दूसरा सेब का पेड़। इसका मतलब खजाना यहाँ है। तो चलो देखते हैं। ओ नहीं, यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। जरा रुको, यहाँ पर कुछ है। वाओ, खजाना। मेरे पास इसकी चाबी है। वाओ, यकीन नहीं होता, सोने के सिक्के, ये तो बहुत कीमती होंगे। हाँ, उससे भी ज्यादा, ये सोने के सिक्के नहीं हैं। ये तो चॉकलेट के सिक्के हैं। और यहाँ सबके लिए चॉकलेट के सिक्के हैं। पेपा और जॉर्ज को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। सभी को चॉकलेट के सिक्के पसंद हैं। दादी, दादा, ये सबसे अच्छे खजाने की खोज थी। तबीयत ठीक नहीं। मम्मी और डैडी पिग ने अभी अभी पेपा और जॉर्ज के लिए नाश्ता बनाया है। नाश्ता तैयार है। पेपा के चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। मम्मी, मुझे ठीक नहीं लग रहा। मेरी प्यारी पेपा, तुम बीमार लग रही हो। चिंता मत करो, मैं डॉक्टर ब्राउन बियर को बुलाता हूँ। डॉक्टर ब्राउन बियर बोल रहा हूँ। पेपा की तबीयत ठीक नहीं है, उसके चेहरे पर लाल दाने निकल आए हैं। पेपा को आराम करने दो, मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। पेपा को चेक करने डॉक्टर ब्राउन बियर आए हैं। हेलो बेटा पेपा, कैसी तबीयत है तुम्हारी? मुझे ठीक नहीं लग रहा। अपनी जबान जरा बाहर निकालो। डरने की कोई जरूरत नहीं, पेपा को तो सिर्फ रैशेज आए हैं। मुझे दवाई की जरूरत है। रैशेज जल्दी ठीक हो जाएंगे, पर अगर तुम चाहती हो तो मैं तुम्हें थोड़ी दवाई दे देता हूँ। हाँ, दीजिए ना। इसका स्वाद शायद ही तुम्हें पसंद आए। चलो अब मुंह खोलो। याक,
आँख गंदी और कड़वी। बड़ी ही बहादुर लड़की हो तुम। तुमने दवाई बहुत अच्छे से ली। पेपा को आराम करना चाहिए। उसकी तबीयत के बारे में मैं बाद में फोन करके पूछूंगा। पेपा को लोग मिलने आ सकते हैं? हाँ हाँ, जरूर आ सकते हैं। ये रैशेस फैलेंगी नहीं। गुड बाय। बाय बाय डॉक्टर ब्राउन बेयर। मामी, क्या मैं उठ सकती हूँ? डॉक्टर ब्राउन बेयर ने कहा है कि तुम्हें कुछ देर आराम करना है पेपा। पर ये कितना बोरिंग है। डॉक्टर ने ये भी कहा है कि तुम्हें मिलने लोग आ सकते हैं। क्या सूजी शीप मुझसे मिलने आ सकती है? सूजी शीप पेपा की बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसकी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मिसेस पेग। पेपा सूजी से बात करना चाहती है। हेलो सूजी। हेलो पेपा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मेरे चेहरे पर रैश है। डॉक्टर आए थे क्या? हाँ, डॉक्टर ब्राउन बेयर आए थे। उन्होंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मैं बहुत बहादुर हूँ। तो तुम सचमुच बीमार हो? हाँ हाँ, मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे बिस्तर में ही रहना है। डॉक्टर ब्राउन बेयर ने मुझे एक बहुत ही गंदी और कड़वी दवाई दी थी। मैं तुम्हें देखने आ रही हूँ। मैं नर्स वाले कपड़े पहन कर आती हूँ। सूजी शीप पेपा से मिलने आई है। सूजी अपने नर्स वाले कपड़े पहने हैं। डैनी डॉग और रबेका रैबिट भी साथ में आए हैं। हेलो पेपा। हेलो। तुम कैसी हो पेपा? मेरी तबीयत ठीक नहीं है सूजी, मुझे बिस्तर पर लेटे रहना है। तुम्हें ठीक करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तुम मेरे लिए संतरे का जूस ला सकती हो। ठीक है। लगता है कि पेपा को बड़ा मजा आ रहा है। थैंक यू सूजी। अभी कुछ ठीक लग रहा है? हाँ थोड़ा सा। डैनी, मेरी मम्मी से पूछो क्या मैं आइसक्रीम खा सकती हूँ। और रिबेका, क्या तुम बगीचे से मेरे लिए फूल ला सकती हो? पेपा ठीक हुई या नहीं ये देखने के लिए डॉक्टर ब्राउन बेयर आए हैं। अरे वाह, नर्स तो पहले से ही पहुँच गई। तो बताओ मरीज कैसा है? मैं असली नर्स नहीं हूँ, मैं तो बस ऐसे ही। अच्छा जी, तो क्या मैं उसे देख सकता हूँ? हाँ प्लीज। अरे वाह, रैशेस गायब हो गए हैं। तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। क्या मैं थोड़ी भी बीमार नहीं हूँ? अब कैसा लग रहा है? मुझे लगता है और थोड़ी देर लेटे रहना चाहिए। मुझे इस बॉल के साथ बगीचे में जाकर खेलना है। कौन आएगा मेरे साथ? मैं भी। अरे ये क्या, तुम तो बिल्कुल ठीक हो गई। आज पेपा और जॉर्ज बहुत खुश हैं। बाहर बर्फ गिर रही है। मम्मी, क्या हम बाहर बर्फ में खेल सकते हैं? हाँ, पर बाहर बहुत ठंड है, तो गर्म कपड़े पहन कर जाओ। अपनी कैप्स, स्कार्फ और ग्लव्स भी पहन कर जाना। बाहर बहुत ठंड है। पेपा और जॉर्ज को कैप्स, स्कार्फ्स और ग्लव्स पहनने होंगे। चलो जॉर्ज। पेपा और जॉर्ज बर्फ में पैरों के निशान बना रहे हैं। पेपा और जॉर्ज को बर्फ में पैरों के निशान बनाना बहुत पसंद है। ओ ये क्या? इसमें हंसने वाली क्या बात है? जॉर्ज, चलो बर्फ के गोले बनाते हैं। पेपा ने एक स्नोबॉल बनाया है। पेपा और जॉर्ज को बहुत मजा आ रहा है। वापस आ जाओ जॉर्ज के बच्चे।
ओहो, लगता है कि खेल थोड़ा ज्यादा रफ हो गया। सॉरी जॉर्ज। जॉर्ज, चलो स्नोमैन बनाते हैं। पेपा और जॉर्ज एक स्नोमैन बना रहे हैं। पहले उन्होंने उसका शरीर बनाया। जॉर्ज, ये स्नोमैन का शरीर है। अब वो स्नोमैन का सिर बनाएंगे। अब इसे चाहिए हाथ, आंख और एक मुंह। जॉर्ज को स्नोमैन के हाथों के लिए लकड़ियां मिली हैं। पेपा को स्नोमैन की आंखों के लिए और मुंह के लिए पत्थर मिले हैं। ये इसका चेहरा है। अब स्नोमैन को नाक की जरूरत है। स्नोमैन की नाक बनाने के लिए पेपा गाजर लेकर आई। स्नोमैन बहुत खुश लग रहा है, पर शायद उसे थोड़ी ठंड लग रही है। स्नोमैन को ठंड लग रही है, उसे कपड़े चाहिए। स्नोमैन को गर्मी दिलाने के लिए जॉर्ज को कुछ कपड़े मिले हैं। स्नोमैन ने पहनी अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स। मम्मी, डैडी, आइए और देखिए। मम्मी ने पहनी है अपनी टोपी, स्कार्फ और ग्लव्स। मैंने आज से पहले इससे अच्छा स्नोमैन कभी नहीं देखा। डैडी पिग को ठंड लग रही है, उन्होंने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स नहीं पहने। डैडी, आपने अपनी कैप, स्कार्फ और ग्लव्स क्यों नहीं पहने? मुझे पता नहीं वो कहाँ है, कहीं मिल ही नहीं रहे। शायद मुझे पता है कि डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स कहाँ हैं। डैडी की कैप, स्कार्फ और ग्लव्स स्नोमैन ने पहने हैं। ओह। हवा महल। पेपा और उसका परिवार बाहर घूमने जा रहे हैं। पेपा, जॉर्ज, आज हम हवा महल देखने जा रहे हैं। हवा महल क्या है डैडी? ये एक महल है ऊंची पहाड़ी पर। जॉर्ज को महल अच्छे लगते हैं। हवा महल एक बहुत ही बोरिंग जगह लगती है। नहीं पेपा, तुम्हें पसंद आएगा। हवा महल के ऊपर से सब सुंदर दिखता है और तुम्हें दादा और दादी पिक का घर भी दिख सकता है। वाह, चलो चले। मैं मैप पढ़ूंगा और मम्मी पिक गाड़ी चलाएंगी। सोच लीजिए डैडी पिक, मैप पढ़ने पर आप खो जाते हो और चिड़चिड़े हो जाते हो। हम गुम नहीं होंगे और मैं चिड़चिड़ा भी नहीं होऊंगा। हवा महल, हम आ रहे हैं। क्या हम आप पहुंच रहे हैं? अभी नहीं। क्यों ना हम कोई गेम खेलें? जी डैडी, हम पहचानो क्या खेलते हैं। ठीक है, पहले मैं पूछूंगा। डैडी पिक किसी चीज के बारे में क्लू देंगे और दूसरों को ये पहचानना है कि वो क्या है। मैं अपनी छोटी छोटी आँखों से कुछ लाल देख रहा हूँ, बताओ। लाल? मेरी ड्रेस, ये लाल है। नहीं, तुम्हारी ड्रेस जैसा लाल नहीं। गाड़ी। सही जवाब, अपनी लाल गाड़ी। मेरी बारी। मैं अपनी छोटी आँख से कुछ नीला देख रही हूँ। जॉर्ज की नीली शर्ट। नहीं, नीले रंग का गाड़ी में कुछ है। नहीं, हार गए। हार गए। आकाश, नीला आकाश, मैं जीत गई। डैडी पिग, क्या आपको पता है हम कहाँ हैं? मुझे बिल्कुल पता है हम कहाँ पर हैं। अब ये रास्ता मैप के रास्ते जैसा तो नहीं लग रहा है। ओ डैडी पिग, हम खो गए हैं। हम नहीं खोए हैं। तो हम यहाँ से हवा महल तक कैसे पहुँचेंगे? जरा एक मिनट रुको। सुनिए,
हम दादा और दादी को फोन करते हैं। दादा और दादी पिग को फोन करने की कोई जरूरत नहीं, मैं ले जाऊंगा हवा महल चाहे पूरा दिन लग जाए। पर हमारे पास पूरा दिन नहीं है। हेलो, दादा पिग बोल रहा हूँ। दादा पिग, हम हवा महल तक पहुँचने के रास्ते में खो गए हैं। ओ, क्या डैडी पिग नक्शा पढ़ रहा है? हाँ, डैडी पिग मैप पढ़ रहे हैं और अभी थोड़े चिड़चिड़े हो गए हैं। मैं चिड़चिड़ा नहीं हुआ हूँ। ये सबसे अच्छा रास्ता है। जब तक तुम्हें अपने सामने ऊपर की तरफ हवा महल दिखता नहीं, मेन रोड पर चलते जाओ। थैंक यू दादा पिग। हमें मेन रोड पकड़कर हवा महल तक पहुंचना है। जैसा मुझे लगा था। देखो, क्या वो हवा महल है? हाँ, वही है हवा महल। चलो गाड़ी, चलो गाड़ी, तुम चढ़ सकती हो। हुर्रे! पेपा और उसका परिवार हवा महल पहुंच गए। वाह, ये कितना ऊंचा है। चलो अंदर चले, ऊपर से नीचे का नजारा बहुत सुंदर दिखेगा। वाह, जरा नजारा तो देखो। मम्मी, क्या वो दादी दादा का घर है? हाँ, वही है। कितना दूर है। चलो अब दूरबीन से देखते हैं। क्या मैं पहले देख सकती हूँ प्लीज? ठीक है, लेकिन उसके बाद जॉर्ज को देखने देना। वाह! दूरबीन से सब कुछ ज्यादा बड़ा दिखता है। मुझे दादी और दादा दिख रहे हैं। देखो जॉर्ज। दादी एक, दादा एक। जॉर्ज दादी और दादा पिक की तरफ हाथ हिला रहा है। बुद्धू जॉर्ज, दादी और दादा इतनी दूर से तुम्हें हाथ हिलाते नहीं देख सकते। तो ठीक है, हम उन्हें फोन करते हैं। हेलो दादा पिग, हम आपको हवा महल से देख सकते हैं, हमारी तरफ हाथ हिलाइए। दादी और दादा हमें हाय बोल रहे हैं। हवा महल बहुत अच्छा है। मेरी बहन क्लोई। पेपा और जॉर्ज बगीचे में खेल रहे हैं। मेरी तरफ फेंको। तुमने बहुत जोर से बॉल फेंका जॉर्ज, तो रूल के हिसाब से मैं जीत गई। अब मेरी बारी। मैं फिर से जीती। पेपा, जॉर्ज, आज तुम्हारी बड़ी बहन क्लोई हमसे मिलने आ रही है। यिप्पी, क्लोई! जॉर्ज, क्लोई मेरी जैसी बड़ी लड़की है, तो अगर वो तुम्हें छोटा समझकर तुम्हारे साथ ना खेले तो बुरा मत मानना। मुझे यकीन है क्लोई तुम दोनों के साथ खेलेगी। क्लोई आ गई, ये। आंटी पिग दिन बिताने के लिए क्लोई को पेपा के घर लाई है। क्लोई पेपा और जॉर्ज की कजिन बहन है। क्लोई पेपा और जॉर्ज से थोड़ी बड़ी है। हेलो क्लोई। हेलो पेपा। हेलो जॉर्ज। मिलते हैं बाद में। तुम्हें कोई गेम खेलना है? हाँ, चलो पकड़ा पकड़ी खेलते हैं। पेपा को पकड़ा पकड़ी बहुत पसंद है। तुम अभी भी पकड़ा पकड़ी खेलती हो? ये तो छोटे बच्चों का खेल है। ओह, हम ये खेलते हैं क्योंकि जॉर्ज को ये खेल पसंद है। ठीक है, जॉर्ज के लिए खेलते हैं। तो फिर तुम असली रूल्स के साथ खेलती हो या फिर वो बच्चों वाले रूल्स के साथ? असली रूल्स के साथ। मैं शुरू करती हूँ। पकड़ने की बारी तुम्हारी, हिम्मत है तो पकड़ कर दिखाओ। पेपा को, क्लोई और जॉर्ज को पकड़ना है। पकड़ सको तो पकड़ लो। जॉर्ज, मैं तुम्हें आसानी से पकड़ सकती हूँ, तुम कितने छोटे हो। ये गलत है, तुम जॉर्ज की मदद कर रही हो। क्योंकि वो बहुत छोटा है। क्या मैं तुम्हारी भी मदद करूं? नहीं, मुझे मदद की जरूरत नहीं, मैं तुम्हारी तरह बड़ी हूँ। तो फिर चलो पेपा, हमें पकड़ कर दिखाओ। तुम नहीं पकड़ पाओगी। चलो पकड़ो हमें। ये बहुत ही बकवास गेम है, कुछ और खेल सकते हैं? ठीक है, मैं बड़े बच्चों के लिए एक अच्छा गेम जानती हूँ, उसका नाम है चतुर लोमड़ी। चतुर लोमड़ी, मुझे खेलना है चतुर लोमड़ी। कैसे खेलते हैं? एक खिलाड़ी होगा चतुर लोमड़ी और दूसरे उस पर झपट पड़ेंगे। मुझे 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 बनना है चतुर लोमड़ी। पेपा है चतुर लोमड़ी, जब उसका ध्यान नहीं होगा तब दूसरे उस पर चुपके से झपट पड़ेंगे, पर अगर पेपा ने मुड़कर किसी को हिलते हुए देखा तो उन्हें दोबारा पीछे से शुरुआत करनी होगी। जॉर्ज, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, पहले से शुरू करो।
मैं जीत गई। लेकिन मैं रेडी नहीं थी। रूल्स के हिसाब से मैं जब चाहूँ हिल सकती हूँ, है ना जॉर्ज? अब चतुर लोमड़ी बनने की बारी क्लोई की है। पेपा और जॉर्ज को बिना हिले रहना होगा। पेपा, मैंने तुम्हें हिलते हुए देखा, फिर से शुरू करो। ये गलत है, तुमने बहुत देर तक देखा। रूल्स के हिसाब से मैं जितनी देर चाहूँ देख सकती हूँ। दोबारा शुरू करो। जॉर्ज जीत गया। क्या हम कोई और खेल खेलें? हाँ, पर वो बड़ों का गेम होगा तो ही। मैं बताती हूँ, मेरा फेवरेट गेम खेलते हैं, वो बड़ों का ही खेल है। जॉर्ज, क्या तुम्हें पेपा की फेवरेट गेम पता है? पेपा का फेवरेट गेम है मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना। जॉर्ज, अगर तुम्हें गड्ढों में कूदना है तो तुम्हें जूते पहनने होंगे। ये लो, मैं तुम्हारे लिए भी जूते लाई हूँ। क्लोई, मिट्टी के गड्ढों में कूदने के लिए मैं बहुत बड़ी हूँ। ओह, मैं भी। जॉर्ज को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। असल में पेपा को गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है, पर उसे क्लोई को दिखाना है कि वो बच्ची नहीं रही। मैं देख रहा हूँ कोई गड्ढों में कूद रहा है। मम्मी पिग और डैडी पिग को भी मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। ये मजेदार दिख रहा है। हाँ, वो तो है। शायद ऐसा कोई रूल है जिसके मुताबिक बड़ी लड़कियाँ भी मिट्टी के गड्ढों में कूद सकती है। हाँ, ये अच्छा रूल है। चलो रेस लगाए। पेपा और क्लोई को मिट्टी के गड्ढों में कूदना बहुत पसंद है। सबको मिट्टी के गड्ढों में ऊपर नीचे कूदना पसंद है, बड़ी लड़कियों को भी। Thank you.